वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे, पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति के, भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तभी मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में संचार कर रहे हैं वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी सम राशि ही मकर में प्रवेश करेंगे मार्गी एवं अस्त अवस्था में, लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी सम राशि एवं नीच राशि मकर में अपने सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने सम ग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लग्न राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लग्न राशि पर आधारित है। तो आइए
अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अभी जो हमारी आपके साथ चर्चा हो रही है, ये मेष राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय को लेकर के बात करेंगे। तो देखिए, इस माह जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके व्यवसाय को लेकर अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको अपने व्यवसाय को लेकर बहुत सचेत रहना होगा, चाहे आप रोजगार करते हैं या फिर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय के घर के स्वामी शनिदेव क्योंकि 7 जनवरी से अस्त हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, तथा भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भी व्यवसाय के घर में अपनी नीच अवस्था में बैठे हैं, तथा 17 जनवरी को ये अस्त भी हो रहे हैं, जिसके कारण भाग्य में आपके ये कमी पैदा करेंगे, तथा आपको अपने रोजगार से संबंधित समस्याओं को भी इस अवधि में सामना करना पड़ेगा। यदि आप यात्राओं पर जाते हैं अपने कार्य के किसी सिलसिले में, तो यह यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। आपके पराक्रम में भी कुछ कमी महसूस करेंगे आप। आपको पूरे माह अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके लिए कुछ समस्याएं और अधिक पैदा हो सकती हैं। वैसे आपको यह बताना चाहते हैं कि समस्याओं और चुनौतियां तो अवश्य रहेंगी, लेकिन सभी समस्याओं और परेशानियों पर आप अपने कुशल नेतृत्व और अपनी तीव्र बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा इन सभी परेशानियों को आप हल कर पाएंगे, तथा हालातों पर भी अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से बना करके रखेंगे। साथ ही सभी विभागीय गतिविधियों पर भी पूरी तरह अपनी नज़र बना करके रखेंगे। माह के मध्य से अंत तक अधिक कठिनाइयों का आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सामना करना पड़ेगा। आगे वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, इसकी चर्चा करते हैं। इस माह आपकी आय में या तो रुकावट होगी या कमी रहेगी, साथ ही जो धन का ठहराव है वो भी कुछ मुश्किल दिखाई देता है इस महीने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन के अभाव में आपके कार्य कोई रुक जाए, ऐसा भी स्थिति नहीं रहेगी। कहने का भाव यह है कि धन की कमी के कारण आपके कार्य नहीं रुकेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, देखिए प्रेम संबंधों में इस माह प्रगति तो होगी, साथ ही परेशानियों का भी आपको सामना साथ साथ करना होगा, यानी कि आपके अपने प्रेम संबंधों के बीच कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा आपके लिए तनावपूर्ण माहौल भी पैदा किया जा सकता है, ताकि आपके संबंधों में किसी प्रकार की कोई प्रगति ना होने पाए। इन बातों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, साथ ही सचेत भी रहना होगा। पारिवारिक संबंध, आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो रिश्ते हैं इस माह कुछ तनावपूर्ण बन सकते हैं। जैसा कि हम आपको कह भी चुके हैं कि अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो बहुत कुछ परिस्थितियां बिगड़ने से आप बचा पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी स्थिति कुछ सही दिखाई नहीं दे रही है। वैसे आपको एक सुझाव देना चाहते हैं कि बाहर की चीज़ों को अगर घर में लेकर नहीं आएंगे तो संबंधों में तनाव पैदा नहीं होगा। घर की बातें घर तक, बाहर की बातें बाहर तक। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा माह के मध्य तक तो बिना किसी परेशानी के आराम के साथ चलती रहेगी, लेकिन माह के मध्य के उपरांत शिक्षा प्राप्ति को लेकर कुछ समस्याएं बन सकती हैं जो कि माह के अंत तक बनी रहेंगी। संतान, इस माह के मध्य तक आपको अपनी संतान के द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन माह के मध्य से अंत तक आपको अपनी संतान को पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा। उनको आने वाली समस्याओं को दूर करने में उनका सहयोग पूरी तरह आपको करना है। स्वास्थ्य, इस माह के मध्य तक आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। गुरुवार के दिन पीले फल एवं मिठाई किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर आप दान कर सकते हैं, तथा शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें। पूरे माह सूर्यदेव को पूरे माह जल अर्पित करते रहें। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाते रहें तो आपकी जो समस्याएं हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा।
तो ये था आप मेष राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले जो दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।